कब्रिस्तान? वाओ, क्या अमेजिंग जगह है यार। इसमें अमेजिंग क्या है यू इडियट? वो देखने के लिए आंख चाहिए और ब्रेन भी, और वो दोनों तुम्हारे पास नहीं है। और इसमें तुम्हारा कसूर भी नहीं है, क्योंकि मॉडल्स के पास इन दोनों चीजों की कमी होती है। सैम, स्टॉप टीजिंग हर। और ये था तुम्हारा परफेक्ट फार्म हाउस, कब्रिस्तान। मुझे क्या पता था? अब पता चला किराया इतना कम क्यों है। कभी ना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया। किताबी कीड़े। यार मुझे तो यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको प्रॉब्लम है वो वापस चला जाए। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ मिशाल? नहीं कुछ नहीं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। मैं समझ सकता हूँ। क्या? यही कि छोटा सा तो तुम्हारा दिमाग है, आई होगी, तुम्हें क्या याद रहना है। उफ, सैम, स्टूपिड। नॉट बैड। लेकिन लग रहा है बहुत अरसे से बंद पड़ी हुई है। लेकिन हमें क्या यार, हमारे लिए तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, क्यों मिशाल? हाँ, नाइस है। ओके गाइस, लेट्स सेट द रूल्स। सब सफाई का ख्याल रखेंगे और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है शहर से दूर, सुकून मिलता है और सोचने का वक्त भी, और तुम्हें पता है बहुत सी बातों के जवाब भी मिल जाते हैं। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। पता है सिवाय सैम के हम सबके ड्रीम्स हैं, आमिर फैशन फोटोग्राफर, मैं टॉप मॉडल, और फिर हम शादी कर लेंगे, परफेक्ट। हाँ हाँ बिल्कुल परफेक्ट। तुम लोग इतने बोरिंग क्यों? अब क्या तकलीफ है? तूने या तो हर वक्त कोई किताब पढ़ते रहना है, या कोई फजूल सी पेंटिंग बना लेगा जो कि 10 साल का बच्चा भी बना ले। और मिस्टर फोटोग्राफर, या किसी दरख्त की फोटो ले रहे होंगे या फिर मिशाल की। नहीं तो क्या तेरी तस्वीरें खींचूं? एनीवेज, कल रात यहाँ से थोड़ा दूर मेरे दोस्त के फार्म हाउस पे पार्टी है, क्या सीन है? सैम, तूने जिंदगी में पार्टी के अलावा कुछ करना है? मैं तो कल रात पार्टी में जा रहा हूँ, तुम लोगों ने आना हो तो आ जाना। पुकारे तुझे मन जारे, मना ले मुझे सुन प्यारे, लगा ले गले खो जारे, तू गारे संग। बहुत बकवास सैम। वैसे कोई काम तो होगा जो तुझे आता होगा। हाँ आता है ना, I enjoy my life. तुम लोगों की तरह जिंदगी जाया नहीं कर रहा। Sam, you need to grow up. And you need to loosen up, beautiful. यार यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, एक गैस स्टेशन है और वो भी 8 किलोमीटर दूर। और ये फार्म हाउस के सामने कब्रिस्तान क्यों है? हमने कौन सा हमेशा यहाँ रहना है, जब भी बेटर ऑप्शन मिलेगी वी आर आउट। लेकिन आमिर, यहाँ तो फोन के सिग्नल भी नहीं आ रहे। यहाँ तो फोन के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे, तुम्हें किसने फोन करना है?
के बोला करो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? Shut up, मैं देखता हूँ। ठहरो, मैं जाता हूँ। What? सैम का पता है ना, वो कुछ भी बोल देता है। ठीक ही तो कह रहा है वो, मुझे किसने खोल करनी, मेरा कौन? विशाल, क्या मजबूरी थी आमिर? ऐसी कौन सी मजबूरी थी मेरे माँ बाप की कि उन्होंने अपनी 3 साल की बेटी अनजान लोगों को दे दी और फिर कभी कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं कौन हूं। I don't even know who I am. दिन है, सारे क्लास फेलोज मुझे जीनियस कहते हैं, हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि वो टेस्ट मैंने इंटरनेट से उठाया था। रिदा, तुम्हें क्या हुआ? रिदा, क्या इतनी खामोश खामोश क्यों बैठी हो? मैंने रात को एक अजीब सा ख्वाब देखा है। ओहो, ख्वाब आया तो बेबी को? बेबी डर गया था? आइसक्रीम ला दूं? स्टॉप इट आमिर, देख नहीं रहे वो अपसेट है। अच्छा चलो बताओ, क्या देखा था ख्वाब में? कहीं मुझे तो नहीं देख लिया? काश कभी हम भी आपके ख्वाब में आए। शट अप गाइस, और कुछ नहीं देखा मैंने। अच्छा मैं जरा चौकीदार से मिलकर आता हूँ, उनके सिग्नल्स अभी तक नहीं आ रहे। सो गाइस, रेडी फॉर पार्टी टुनाइट? पार्टी? हाँ, मेरे दोस्त के फार्म हाउस पे पार्टी है आज, तो चलते हैं ना, बहुत मजा आएगा। क्यों आमिर? ओके, चलेंगे। Dreams can have people that you know and people that you've never met, places that you've been to and places that you've never heard of. तो तुमने जो भी ख्वाब में देखा उसका कोई मतलब नहीं था। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि डोंट वरी। वकास,
थैंक यू। ये कौन है? ये जो हमने लास्ट वीक शूट की थी ना, ये उसकी मॉडल है। ओह, अच्छी लड़की है। और तुम्हें पता है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था, मैं तो हंसता रहा। इतनी अच्छी थी तो शादी क्यों नहीं कर लेते उसे? तुम्हें पता है मैं मजाक कर रहा हूँ। आमिर, तुम्हें पता है कि मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम जानते भी हो कि मैं तुम्हें खोने से कितना डरती हूँ। एक तुम ही तो हो मेरे, और हमेशा रहूंगा। मैं तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ, और मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ, और इस टमसी लड़की को हमेशा स्माइल करता देखना चाहता हूँ। और अभी तो वो तुम्हारा स्विमिंग पूल वाला ड्रीम हाउस भी है, उसमें क्या था? वॉक इन वार्डरोब। हाँ, वॉक इन वार्डरोब होगा। आमिर, तुम कभी बदल तो नहीं जाओगे? नेवर, प्रॉमिस। शाल, तुम कभी बदल तो नहीं जाओगी? कभी मोटी तो नहीं हो जाओगी? बाबा जी, बाबा जी, यहाँ हमारे फोन नहीं चल रहे, आपको कुछ पता है? मुझे नहीं पता। आप यहां कब से हैं? बहुत सालों से। ये फार्म हाउस के बीच में कब्रिस्तान क्यों है, आपको पता है? इस घर में मिस्टर जोसेफ और उनकी मिसेस अपने दो बेटियों के साथ रहते थे। अपने इन हाथों से दफनाया है मैंने इन सबको। सबको क्या मतलब, क्या हुआ था यहाँ पे? बाबा जी, रीता, तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम क्या पहन रही हो? नहीं, अभी तो नहीं किया। क्या तुम इतनी रिलैक्स क्यों हो? पार्टी है। अच्छा बताओ, ये कैसा लग रहा है? वाओ, वेरी नाइस। वाओ, मेरा वेडिंग ड्रेस ना तुम ही डिजाइन करो। डन। वैसे रीता, तुम्हें सैम अच्छा लगता है ना? सैम? मिशाल, तुम पागल हो गई हो। क्यों, अच्छा भला तो है? वो एक फ्रेंड है, और वैसे भी ना मैं उसकी फजूल बातें 5 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मुझे इंटेलिजेंट लड़के अच्छे लगते हैं, सैम जैसे इडियट्स नहीं। रियली? इंटेलिजेंट लड़के बोरिंग नहीं होते? एनीवेज, उठो और तैयार हो जाओ। हाँ, बस एक मिनट रीता, अभी उठो, चलो छोड़ो। ओके मिशाल। रिलैक्स मिशाल,
मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ है। हाँ, मैं भी वो ख्वाब भूल ही नहीं पा रही। उस लड़की का चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने है। इस घर में कोई प्रॉब्लम है। ओके ओके, रिलैक्स गर्ल्स। देखो, एक तो नई जगह, ऊपर से सामने कब्रिस्तान। आई एम श्योर कि तुम लोग थोड़ा डर गई हो। जस्ट गिव इट सम टाइम। हाँ वकास, ठीक कह रहा है। देखो, हम लोग भी तो इसी घर में रह रहे हैं, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। चलो अब चेयर अप, लेट्स पार्टी। लेकिन आमिर, कुछ नहीं होता, प्रॉमिस। ओके चलो मिशाल। यार वैसे तुम लोगों को क्या लगता है, यहाँ कुछ है? और नहीं यार, ये लड़कियां वैसे ही ओवर सेंसिटिव होती हैं। हाँ, ये रिता तो सिर्फ एक ख्वाब से डर गई है। जस्ट गिव देम सम टाइम। क्या हुआ, कहीं तुझे भी कोई लड़की तो नहीं नजर आ गई? अबे नहीं यार, कैमरा गिरने लगा था। चढ़ा है दिल नीट है, मानेगा ना तेरी बड़ा ही ढीठ है, तेरी भी तो यार पीने की स्पीड है। ओ तक्ते दिल दे ए मेरे मैनु सीड़ दे, ओ बेबी पीड़ दे पीड़ दे पीड़ दे, ओ सानू चीड़ दे चीड़ दे चीड़ दे, ओ बेबी पीड़ दे पीड़ दे पीड़ दे, ओ सानू चीड़ दे चीड़ दे चीड़ दे। कितने पैसे बने? 2000 सर। पार्टी हो रही है। नाइस। आमिर तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या, जाओ तुम डांस करो। What? ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? Just relax, okay? I'm relaxed. मुझे आज पता चला है तुम्हें वाकई बचपना भरा है। और मुझे आज पता चला है कि तुम एक साइको। Charles, stop it right here. You stop it.
यार ये क्या था? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अली तूने पुलिस को कॉल किया? नहीं, मैं क्या कहूँ पुलिस को फोन करके, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। रिलैक्स, 15 को कॉल करो। तुम्हारे फार्म हाउस में मर्डर हुआ है, तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। मैं क्यों फंस जाऊंगा, मैंने थोड़ी मर्डर की है। अभी अगर मैं वापस गया तो वो मुझे भी मार देगा। जब पुलिस आएगी तब जाऊंगा मैं। ये रिदा को क्या हो गया यार? उसके सामने मर्डर हुआ है, ऑब्वियसली वो शॉक में है। She's so cold. मेरा ख्याल है कुछ देर रिदा को रेस्ट करने देते हो, ब्लड चेक करते रहेंगे। गाइस, मैं जानता हूँ कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। Just try to forget it. जब से हम इस घर में आए हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। निशान, you are right. इस घर में एक अजीब सी फीलिंग है। ऐसा लगता है कि हमें कोई देख रहा हो। उफ, तुम लड़कियाँ होती ही ड्रामा क्वींस हो। कुछ नहीं है यार इस घर में। हाँ, पार्टी पर एक साइको आ गया था, लेकिन उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। और मिशाल, तेरा प्यार, मैं तुम्हें नई लिपस्टिक ला दूंगा। नहीं वकास, दे आर राइट। क्या यार, तू भी? हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। आमिर, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सैम आता ही होगा, उससे भी बात करेंगे। एक दो दिन तक कोई और फार्म हाउस अरेंज हो जाएगा। चलो, अगर तुम लोगों को लगता है कि यहाँ वाकई कुछ है तो ठीक है, हम नई जगह देख लेते हैं।
ये बाबा जी क्या करते रहते हैं एक ही जगह? हम जब से आए हैं ये जमीन खोद रहे हैं। खैर गर्ल्स, बहुत भूख लग रही है। चलो हम सैंडविचेस बनाते हैं, ठीक है? अब जैसे भी बने ना, खा लेना। हाँ हाँ, विशाल रिता को बनाने देना। ये आमिर को क्यों लगता है कि मुझे कोई काम नहीं आता? मैं ब्रेन डेड हूं। तुम क्यों हंस रही हो? अच्छा बताओ, क्या हेल्प करूं? कुछ नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। पता है रीता, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जैसे हमें को देख रहा है। उस दिन जब मिरर पे माया लिखा गया तो मेरा हाथ वाकई मेरे कंट्रोल में नहीं था। और आज सुबह जब तुमने कहा कि... मैंने क्या कहा? कुछ नहीं। नाम ले रहा था माया। माया? हाँ माया, हु द हेल इज माया? और सबसे अजीब बात यह है कि उसकी शक्ल बिल्कुल मुशाल जैसी थी। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाउ इज दैट पॉसिबल? सैम ठीक कह रहा है, मैंने भी उसे देखा। क्या हो रहा है? डोंट वरी, रिलैक्स, हम बस कल ही कोई नई जगह अरेंज कर लेंगे, ओके? माया, सैम चल मेरे साथ। कहाँ? यार आ तो सही। ये तो क्या कर रहा है, पागल हो गया? अगर वो चुड़ैल आ गई तो? रिलैक्स। वे, और ये देख, माया जोसेफ 1981 to 2004। ओ माय गॉड, इसका मतलब माया एक भूत है? यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये सब तो फिल्मों में होता है। माया, माया हमसे कुछ कहना चाहती है। अब क्या कहना चाह रही है? और जब मरी गई है तो पीछे कहने को रह क्या गया है? शी इज ट्राइंग टू मेक कॉन्टेक्ट। तू ठहर यहां पे एक मिनट। ओए, मुझे क्या छोड़ के? वकास, वकास,
चाय? थैंक यू। वैसे आज मौसम कितना अच्छा है ना? तुम ऐसे अकेले क्यों बैठे हो यहाँ? और आज तो तुम्हारे हाथ में बुक भी नहीं है, क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है मैं किस बात पे बिलीव करती हूँ? इंसान को हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, ठीक कह रही हूँ ना? हाँ। रिदा, एक बात पूछूं? गुड मॉर्निंग गाइस। फॉर यू। कहते हैं कि सुबह सुबह प्यारे और खूबसूरत चेहरे देखने चाहिए, और तुम इसके साथ बैठी हो। तुझे क्या हुआ है? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं हुआ यार, तेरे से बेहतर ही है मेरा मुंह। व्हाटएवर। रिदा, कितनी प्यारी सुबह है ना। कितना प्यारा लगेगा कि जब दो प्यारे प्यारे लोग वॉक करेंगे, है ना? आई डोंट थिंक सो। बोरिंग इंसान, तूने अपने जम्स रिदा में भी ट्रांसफर कर दिए। अच्छा यार, अब चलें ग्रोसरी करने? बाकी लोग कहाँ हैं? आ रहे हैं। मारिया, मारिया जोसेफ। क्या कह रही हो? छोड़ो, ये मारिया नहीं है। क्यों आई हो यहाँ पे? क्यों आई हो? तुम्हारी मौत होगी यहाँ। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस जमीन को तुम्हारा खून चाहिए। शट अप। खून चाहिए तुम्हारा। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। तने, कौन थी वो पागल औरत? मुझे तो शहर में सारे ही पागल लगते हैं। लेकिन वो पागल मुझे मारिया क्यों कह रही थी? विशाल, क्योंकि वो एक पागल थी। सैम, तेरी बात हुई काशिफ से? किसी और फार्म हाउस का पता चला है? हाँ, मेरी बात हुई है उससे। वो कह रहा है एक और फार्म हाउस है, पर कल तक कंफर्म करके बताएगा मुझे। वो लगता गाड़ी खराब हो गई है। यार क्या मुसीबत है यार, अब कुछ तो करना होगा। इधर पास ही बात ही है। मैं जाता हूँ। मैं भी साथ आती हूँ। जल्दी आना।
क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ ढूंढ रहा हूँ ना, सच्चाई। सच्चाई? कितनी मासूम लग रही हो कि जैसे कुछ जानती नहीं हो तुम। सैम ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? चलो अब ये ड्रामा खत्म करते हैं, ठीक है? सच सच बता दो मिशाल, ये सब क्या चल रहा है? सैम तुम इतने शकी क्यों? कुछ भी नहीं चल रहा स्टूपिड। डोंट मेस विद माय माइंड मिशाल, बताओ कौन हो तुम? इधर बैठो। देखो सैम, तुम स्ट्रेस्ड हो और मैं समझ सकती हूँ, हम सब बहुत परेशान हैं। तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? आई एम योर फ्रेंड। फ्रेंड? नो 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 नो, मैं तुम्हें नहीं जानता। इनफैक्ट तुम तो खुद अपने आप को नहीं जानती। सैम स्टॉप इट। क्यों, सच्चाई सुन के बुरा लग रहा है? यू नो व्हाट मिशाल, यू कैन बी एनीवन, यू कैन इवन बी अ ब्लडी साइको। से नहीं लड़ सकते। ये क्या बकवास है? ये जिन, भूत, माया, मैं कुछ नहीं मानता। तुम लोग सब अंधे हो। उसकी शक्ल मिशाल से मिलती है, भूत की। तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि ये कर रही है सब कुछ? She is a bloody psycho! Sam, shut up! मैं कर रही हूं ये सब। सैम तुम पागल हो गए हो। सैम तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लोग सब मिले हुए, ये तू क्या बकवास कर रहा है? तुझे ये तकलीफ हो रही है ना कि मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को कुछ कह दिया? तुझे हमारी कोई परवाह नहीं? पागल कर रही है वो हमें। शट अप। आइंदा तूने मिशाल के मुतल्लिक कोई बकवास की, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुझे। वाओ, एक लड़की के लिए दोस्त को भूल गया तू? मिशाल तेरी भी दोस्त है, तुझे नजर नहीं आ रहा कि तेरी बकवास की वजह से वो कितनी हर्ट हो रही है? इस वक्त हम सब परेशान हैं, तू बस अपनी बकवास बंद कर। हमें यहां से निकलना पड़ेगा। हाँ वकास सही कह रहा है। ओके कैश स्टफ, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूं।
गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। क्या ये क्या हो रहा है? रिदा पैनिक मत करो, यही तो माया चाहती है। ये माया, ये माया, ये माया हमें नहीं छोड़ेगी, मार देगी ये हमें। रिदा कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तुम सुन रहे हो? ये माया के रोने की आवाज है। सैम तुम इधर ही रहो, वकास निशा चलो। नहीं तुम लोग कहीं नहीं जा रहे, वो कुछ भी कर सकती, कुछ भी हो सकता है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, सैम तुम लोगों के पास है। ओके ओके वकास निशा चलो। हम सब मर जाएंगे। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। सैम तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बस मुझे पता है, अभी तो मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया था। आई डोंट वॉन्ट टू डाई। सैम लिसन, वी आर नॉट गोइंग टू डाई, ओके? कुछ नहीं होगा, ओके? कैसे कह सकती हो तुम ये? हाँ बस मुझे पता है, वो हम सबको एक एक करके मार देगी। वी आर ट्रैप्ड, दिस इज द एंड। चुप करो सैम। सैम प्लीज, इस वक्त हमें मजबूत रहने की जरूरत है, सो प्लीज स्टॉप दिस, प्लीज। फिर स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। वी हैव टू गेट द हेल आउट ऑफ हियर।
सैम, तुझे क्या हुआ? कैसी आवाज है? आवाज तो यहीं से आई थी, लेकिन यहां तो कोई भी नहीं है। ये माया हमारे दिमाग के साथ खेल रही है। चलो चलो, thank you.
था, ये सब कुछ विशाल करी थी। विशाल साइको है सैम। आमिर अब क्या करें? ये डेड बॉडी, क्या किया है विशाल ने? नहीं, ये विशाल नहीं कर सकती। विशाल माया नहीं हो सकती। इट डस नॉट मेक एनी सेंस। ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, नथिंग इज मेकिंग एनी सेंस। ये विशाल जीप लेके कहां गई है? वेट, कुछ सोचते हैं। कर रहा था मारिया, आपको नहीं पता मैंने क्या किया सैम। मैंने उसे कैसे मार दिया? तुमने उसे नहीं मारा माई चाइल्ड, उसे माया ने मारा है। माया? क्या चाहती है हमसे? आप जो भी जानते हैं प्लीज मुझे बता दें। मिस्टर एंड मिसेस जोसेफ मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। जब उन्होंने ये घर खरीदा तो वो ये नहीं जानते थे कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कुछ अरसे बाद उनके यहां जुड़वा बच्चे पैदा हुए, मारिया और माया। उन दोनों की शक्ल तो एक जैसी थी मगर हकीकत में बहुत फर्क था। माया की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी। वो वक्त से पहले बोलने लगी थी, चलती थी और अजीब तरह की ड्राइंग्स बनाती थी। मगर मारिया यानी कि तुम एक नॉर्मल चाइल्ड थी। मतलब माया मेरी बहन थी? यस माय चाइल्ड। जब माया ने यह ड्राइंग बनाई तो मिस्टर जोसेफ उसे मेरे पास ले आए। मैंने माया की आंखों में शैतान देखा तो मिस्टर जोसेफ से कहा कि वो तुम्हें माया से दूर कर दे, इसलिए उन्होंने तुम्हें एक अच्छी फैमिली को दे दिया। लेकिन अब मेरे पेरेंट्स कहां हैं और उन्होंने मुझे कभी कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? मैंने उन्हें बहुत ढूंढा। माया ने भी तुम्हें बहुत ढूंढा। दरअसल तुम्हें उसी ने यहां बुलाया है। मुझे डर था कि तुम कहीं वापस ना आ जाओ। ज्यों ज्यों माया बड़ी होती गई उसके अंदर का शैतान मजीद ताकतवर और खतरनाक होता गया। मैंने बहुत कोशिश की मगर मिसेस जोसेफ ने भी हार ना मानी। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, जब डॉक्टर्स भी कामयाब ना हुए तो उन्होंने खुद उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया।
डरते थे, हत्ता के उसे खाना देना भी एक प्रॉब्लम था। आगे हार मान ली और फैसला कर लिया कि माया को जहर का इंजेक्शन लगा दें और भूल जाएं कि कभी उनकी कोई बेटी भी थी। माया के साथ साथ घर को छोड़ने का भी फैसला कर लिया था। जिस दिन उन्होंने जाना था उससे एक रात पहले मिस्टर जोसेफ ने खुद को फांसी दे दी। और मिसेस जोसेफ अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई। हमने उन दोनों को माया के साथ ही दफना दिया। लेकिन माया ने उनको क्यों मारा? उनका क्या कसूर था? जस्टली माई चाइल्ड, यहां से चली जाओ और फिर कभी लौट कर ना आना। और वो बाकी कब्रें किन की? उन लोगों की जो उस घर में आए। मैं माया को ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं उसे नहीं करने दूंगी। रुक जाओ मारिया, तुम माया को नहीं रोक सकती, बल्कि कोई भी नहीं रोक सकता। कुछ करो, अगर हम यहां से नहीं निकले ना तो माया हमें भी मार देगी। विकास, सैम की कनका है, ये ले। इसमें कितनी गोलियां हैं? दो गोलियां। क्या कह रहे हो ये तुम किसे मारने लगे हो? हम यहां से निकल जाएंगे। लेकिन माया को तुम इस गन से मारोगे क्या? माया को नहीं।
करती हो तुम? सामने आओ। तुम चाहती थी मैं वापस आ जाऊं? लो मैं आ गई। तुम मेरे दोस्तों को कुछ नहीं करोगी, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सुन रही हो तुम? वकास, अब तो गाड़ी भी आ गई है, प्लीज प्लीज निकलो यहाँ से। हाँ रिदा बिल्कुल ठीक कह रही है, मिशाल को लेते हैं और फौरन यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि माया फिर आ जाए। माया आ चुकी है। माया आ चुकी है। तकलीफ हो रही है तुझे? मिशाल मर जाएगी तो तकलीफ होगी ना तुझे? प्यार करता है ना तू मिशाल से? तुमको ले करूंगी मैं उसके, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये देख, ये देख किसको मार रहा है तू, मिशाल को या माया को? छोड़ दे मिशाल को माया। आमिर, आमिर ये तुम क्या कर रहे हो? मिशाल मैं कहाँ हूँ? और तुम जानते भी हो कि मैं तुम्हें खोने से कितना डरती हूँ। एक तुम ही तो हो मेरे और हमेशा रहूंगा। और अभी तो वो तुम्हारा स्विमिंग पूल वाला ड्रीम हाउस भी है, उसमें क्या था? वॉक इन वार्डरोब। Я так хочу, чтобы ты меня так же, как 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 ты меня так же,
Ich bin nicht mehr so gut.